हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के ऊपर। इन सभी स्टॉक्स में आने वाले टाइम में नेक्स्ट आपको 4 to 5 मंथ में काफ़ी अच्छा पैसा बनने वाला है, और क्यों बनने वाला है सभी बातों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है आपको एस्ट्रल। एस्ट्रल पाइप्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है रिसेंटली आपको मर्जर भी हो रहा है। यहाँ पे जो है इसके जो दो सब्सिडरी कंपनी है, एस्ट्रल बायोकेमिकल और जो है आपको रिजिनोवा केमिकल, दो जो है यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी है, उनका मर्जर हो रहा है आपको यहाँ पे पेरेंट कंपनी के साथ। और साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे इस स्टॉक को देखेंगे तो स्टॉक ने आपको प्रीवियसली बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है। 2018 में अगर देखेंगे तो 2018 में स्टॉक जो है 500 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। अभी अगर देखेंगे 2022 में करेंटली स्टॉक जो है 2600 पे ट्रेड कर रहा है। मोर देन 500% का रिटर्न जो है यहाँ पे स्टॉक ने बना के दिया है आपको लास्ट 4 ईयर में। और अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे 13-14 में स्टॉक 45-46 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था, और करेंटली जो है आपको 2600 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग इस स्टॉक में देखेंगे तो यहाँ पे आपको टेक्निकली भी स्टॉक में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया है, और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। यहाँ पे अगर देखेंगे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। काफ़ी टाइम से स्टॉक जो है इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पे ब्रेक कर नहीं पा रहा था। फाइनली स्टॉक ने यहाँ पे आपको इस लेवल को ब्रेक किया है। तो अब स्टॉक में जो है हम लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक जो है यहाँ से आपको ऊपर की साइड 3000-3500 के लेवल पर भी जा सकता है। तो इसलिए इस स्टॉक को हम लोग अपने वॉच लिस्ट में रख के यहाँ पे हम लोग पोजीशन बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो आप यहाँ पे कंटिन्यू होल्ड करके रख सकते हैं। इस स्टॉक के ऊपर जो है हम लोग 3000 या 3500 तक का भी लेवल इजीली हम लोगों को यहाँ पे स्टॉक में नेक्स्ट 5 to 6 मंथ में देखने को मिल सकता है। सेकेंड स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड स्टॉक है आपको SBI। SBI अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टॉक बहुत टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। ऊपर की साइड आपको 500 का रेंज था, और नीचे की साइड जो है यहाँ पे अगर देखेंगे 435-430 का रेंज था। इस रेंज में स्टॉक यहाँ पे आपको सितंबर 2021 से कंटिन्यूसली इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। फाइनली स्टॉक जो है यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो चुका है, और साथ ही साथ स्टॉक में यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में अब यहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छा रैली देखने को मिल सकता है, क्योंकि कभी भी अगर चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो चैनल पैटर्न का जो आपको टारगेट होता है वो आपको चैनल का डेप्थ होता है या फिर चैनल का लेंथ होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 120 पॉइंट का चैनल का लेंथ है। अगर ऊपर की साइड हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर हम लोगों को 675 तक के भी लेवल इजीली देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट 5 to 6 मंथ में। इस स्टॉक में एक जोरदार मुनाफा बन सकता है। PSU बैंक है, वन ऑफ द लीडिंग बैंक है अपने सेक्टर का, तो इसी वजह से जो है इस स्टॉक में काफी अच्छा मुनाफा हम लोगों को बनते हुए देखने को मिल सकता है। थर्ड स्टॉक की अगर हम लोग बात करें, थर्ड स्टॉक है आपको इंडियन बैंक। इंडियन बैंक अगेन वन ऑफ द आपको PSU बैंक ही है। यहाँ पे भी अगर देखेंगे स्टॉक काफी टाइम के बाद, ऑलमोस्ट आपको 3 ईयर के बाद स्टॉक जो है 200 के लेवल के ऊपर यहाँ पे क्लोज दिया है। लास्ट टाइम 2019 में आपको इस लेवल के ऊपर क्लोज दिया था, उसके बाद से स्टॉक कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे आपको इस लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। फाइनली आपको यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, और कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ऊपर की साइड यहाँ पे आपको ब्रेक दिया है, ब्रेकआउट दिया है। ऑलरेडी जो है वीकली चार्ट में आपको ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है, तो इसलिए इस स्टॉक में भी हम लोग यहाँ पे जो है आपको पोजिशन बना सकते हैं। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक में जो है काफी टाइम के बाद स्टॉक इस लेवल के ऊपर निकला है, तो वापस से हम लोगों को स्टॉक में यहाँ पे 350-400 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इस स्टॉक के ऊपर भी हम लोगों का ध्यान रहना चाहिए। यहाँ पे भी नेक्स्ट आपको 5 to 6 मंथ या फिर 1 ईयर के अंदर यहाँ पे भी बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है।
साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो अभी जो आपको जितने भी PSU बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, इंडियन बैंक, इन सभी में आपको बहुत ही जबरदस्त हम लोगों को रैली देखने को मिल रहा है। PSU इंडेक्सेस को अगर हम लोग देखेंगे, PSU बैंक के इंडेक्सेस को, तो वहां पे जो है आपको काफी जबरदस्त रैली देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से जो है आपको यहाँ पे इन सभी स्टॉक्स में काफी अच्छा पैसा जो है नेक्स्ट आपको 6 मंथ टू 1 ईयर में बनते हुए दिख सकता है। फोर्थ स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ स्टॉक है आपको आदित्य बिड़ला फैशन रिटेल। आदित्य बिड़ला ग्रुप की कंपनी है, प्रमोटर के साइड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रमोटर है, बहुत ही बढ़िया प्रमोटर है। टेक्निकली अगर हम लोग देखेंगे, टेक्निकली स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे क्लोज हो चुका है, 325 के लेवल पे क्लोज हुआ है। इससे पहले अगर देखेंगे ऑलरेडी स्टॉक इस यहाँ पे आपको 3 टाइम सेलिंग प्रेशर इस लेवल से ऑलरेडी इससे पहले स्टॉक फेस कर चुका है। फाइनली इस सेलिंग प्रेशर को स्टॉक ओवरकम करके इस लेवल के ऊपर आपको क्लोज दे दिया है। तो यहाँ पे क्लियरली अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक में जो है एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। 320 के ऊपर जो है स्टॉक यहाँ पे आपको सस्टेन किया है, 300 to 320 इस लेवल से लास्ट 3 टाइम से स्टॉक जो है आपको कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था। एक बार के लिए नीचे की साइड आपको 250 के लेवल के नीचे भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिया, बट उसके बाद वापस से आपको सेम इसी चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा था। अगेन ये स्टॉक भी अगर देखेंगे लास्ट 1 ईयर से स्टॉक कंटिन्यूसली इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। एक बार के लिए यहाँ पर ब्रेकडाउन जरूर दिया बट वापस से इमीडिएटली आपको इस रेंज में आ गया, और यहाँ पर अगर देखेंगे उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दे दिया है। तो क्लियरली इस स्टॉक में भी हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड हम लोग अगर यहाँ पे बात करेंगे तो 500 तक का भी लेवल हम लोगों को इजीली यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट 5 to 6 मंथ में जो है इस स्टॉक में भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जितने भी स्टॉक है इस सेक्टर के, रेमंड्स, ग्रासिम, अरविंद फैशन, इन सभी स्टॉक्स में हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। तो इसलिए इस स्टॉक को भी हम लोग अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे भी हम लोग पोजीशन बना के रख सकते हैं। ऊपर की साइड हम लोगों को एक अच्छा मुनाफा इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है। इनकेस अगर आपके पास ऑलरेडी पोजिशन है आप कंटिन्यू होल्ड करके रख सकते हैं। लास्ट स्टॉक है आपको विनती ऑर्गेनिक्स। विनती ऑर्गेनिक्स में भी यहाँ पे आपको स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त जो है आपको ब्रेकआउट आया है। ये स्टॉक भी आपको 2 to 3 times 2300 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, फाइनली 2300 के लेवल के क्रॉस करके स्टॉक ने यहाँ पे आपको क्लोजिंग दिया है। क्लियरली अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2150 से 2300 इस रेंज में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, क्योंकि अर्लियर यहीं से रेसिस्टेंस मिलता था, फाइनली इस रेंज में कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिया है। तो इस स्टॉक में भी हम लोगों को नेक्स्ट आपको 6 मंथ टू 1 ईयर के अंदर इस स्टॉक में भी 3000-3500 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। विनती ऑर्गेनिक्स के बारे में और अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपको वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है IBB और ATBS का। IBB होता है आपको आइसोब्यूटाइल बेंजीन, और साथ ही साथ आपको ATBS होता है 2-acrylo-2-methylpropane-sulfonic acid, और ये एक ऐसा आपको स्पेशलिटी केमिकल है। मेनली आपको स्पेशलिटी केमिकल के क्षेत्र में ही ये कंपनी काम करती है, और आपको 35 प्लस कंट्री में जो है इस कंपनी का प्रेजेंस है, 140 प्लस आपको क्लाइंट है। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे टेक्निकली भी स्टॉक यहाँ पे काफ़ी साउंड दिख रहा है, स्टॉक में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया है। तो इसलिए इन सभी स्टॉक्स पे आपका ध्यान रहना चाहिए, नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर में इन सभी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा पैसा बनने वाला है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।